हेलो गाइस, वेलकम टू जंगपांग एजुकेशन हब। आज है 17 जनवरी। 17 जनवरी को मैंने जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डाले हैं वो सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज के सवालों से। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो स्थापना है वो 2 मई 1951 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक, अब भारतीय वित्त आयोग, अब वित्त आयोग के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। वित्त आयोग की जो स्थापना है वो 22 नवंबर 1951 में हुई थी। ठीक है, 22 नवंबर 1951 में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति समिति की जो स्थापना है वो कब हुई थी? नीति समिति की जो स्थापना है वो हुई थी 27 जून 2016 में हुई थी। ठीक, 27 जून 2016 में नीति समिति की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है अनुच्छेद 44, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तट के समांतर चलने वाली पर्वत रेखा के आप्लावन से बनी तट रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आप्लावन से बनी जो तट रेखा है उसको डैमनेशन तट से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्गीस कुरियन किसके साथ जुड़े हैं? वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से जुड़े हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध और डेयरी उत्पादन से संबंधित है। दूध और डेयरी उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। ठीक, वर्गीस जो कुरियन है इनको श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। वो भारत में मिल्कमैन के रूप में भी जाने जाते हैं। ये है वर्गीस कुरियन, इनको श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। अब बात करते हैं इंडिगो क्रांति से यानी कि नील क्रांति, इसे जानना भी बहुत जरूरी है। नील क्रांति का जो जनक है वो डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। ठीक है, हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णन को नील क्रांति का जनक माना जाता है। नील क्रांति किसानों द्वारा किया गया एकमात्र आंदोलन था जो बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में, ठीक है, 1859 में किया गया था। इस विद्रोह के आरंभ में नदियां जिले के किसानों ने 1859 के फरवरी मार्च में नील का एक भी बीज बोने से मना कर दिया। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था तथा इसमें भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर का हिस्सा लिया। अब बात करते हैं पीली क्रांति से। पीली क्रांति क्या है? आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और तिल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986 और 1987 में शुरू की गई क्रांति को पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये है सैम पित्रोदा, इन्हीं को भारत में पीली क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति क्या है? 1960 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी ताकि पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो सके और लाखों कुपोषित लोगों को खिलाया जा सके। अगर पूछे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, हरित क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। ठीक है, उनका नाम क्या है? MS स्वामीनाथन है। ठीक है, ये हैं MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो है राज्य विधान परिषद के सदस्य, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, संघ शासित प्रदेशों और राज्य की विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया, केवल राज्य विधान परिषद के सदस्य ही इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस पुस्तक लिखी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है अरुंधति राय, यानी कि ऑप्शन ए जो है जिसका
राइट आंसर होगा। ये हैं अरुंधति राय, इन्होंने ही एलजेफ ऑफ इन्फिनिट जस्टिस पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक मैन बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय द्वारा लिखित निबंधों का संग्रह है। उसने छोटे पतले भगवान के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आगा खान ने की, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक, ये है आगा खान, इन्होंने ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। आगा खान ने 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। ढाका नवाब सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के एकमात्र आयोजकों में से एक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चटगांव शस्त्रागार पर हुए हमले का नेतृत्व किसने किया था? चटगांव शस्त्रागार पर हुए हमले का जो नेतृत्व है वो सूरी सेन ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ये है सूरी सेन, इन्होंने ही चटगांव शस्त्रागार पर हुए हमले का नेतृत्व किया था। सूरी सेन उस समय नेता है जब चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ था। सूरी सेन को बंगाल में मास्टरदा के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, बंगाल में मास्टरदा के रूप में भी जाना जाता है। 1930 में यह हमला हुआ था और वर्तमान में चटगांव बांग्लादेश में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्गेसो सागर किस में स्थित है? सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा में नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है रंजन गोगोई, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है ये राइट आंसर होगा। ये है रंजन गोगोई, इन्हीं को राज्यसभा में नियुक्त किया गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नामित किया। ये हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।